ला भाई ये कप चाय दे, पता नहीं कहाँ रह गया कमबख्त, अब तक तो आ जाना चाहिए था। साला ये कमबख्त लौंडा बेवकूफ तो नहीं बना रहा मुझे, क्योंकि तो लौंडों पे भरोसा नहीं है मुझे। सब साले दो कौड़ी के हैं, पुच्छे कहीं के। जैसे मैं आ गया, एक्टिंग करना बंद कर, सामने बैठ सीट पे चुप करके। ओके 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 चकर मकर मत देख। पक्का पक्का काम बोलो। अबे तू भूल गया बे, तू बोला था किसी की टांग में तोड़नी है। ओ सॉरी सेठ मैं भूल गया था। अरे पैसे लेकर काम ना करने की ना तुम लोगों की पुरानी आदत है भैया, दिमाग से निकल जाती है भैया। हजारों टेंशन लगी पड़ी है, काम धंधे ठिकाने पे ना आए, क्या करें बताओ। फोटो सेंड करो आप। अबे तुझे बताया तो था उसके बारे में। अरे विभूति सेठ मैंने कहा ना, मेरा दिमाग ठिकाने पे ना आए, दिमाग से सूरत निकल जावे। अगर फोटो मिल जाए तो मैं कंफर्म रहूंगा, नहीं तो किसी और को फोड़ दिया ना तो कसम खा के कह रही हूँ ना तुम्हारा काम बन पाएगा ना मेरा काम बन पाएगा। चल मैंने सेंड कर दिए देख। ओह माय गॉड, व्हाट ए हैंडसम बॉय। भैया ये कितना सुंदर हैंडसम लग रहा है, का इसकी टांग तोड़ रहे हो आप, बुरा लगेगा भैया। शादी करनी है तुम्हें? अरे विभूति सेठ इंसानियत नाम की कोई चीज है कि ना है? अबे सुन चपड़ गंजू, जिस लाइन में तू है ना उस लाइन में इंसानियत नाम की चीज नहीं होती है। और अगर तुझे इंसानियत नाम की लॉलीपॉप चूसने का इतना ही शौक है तो बेटा तू निकल ले, तुझे से 25 मिलेंगे झागरगट्टी पे खड़े हुए 12 के भाव में। मैं टांगे किसी और तोड़वा लूंगा। ना ना लॉलीपॉप मेरा मतलब है टांगे तो मैं ही तोड़ूंगा, काम हो जाएगा, टेंशन मत लो विभूति सेठ, चिल्लो है अभी। चलो तो फिर कर दो काम। चूस मी अंकल, एड्रेस शीला अपार्टमेंट। शीला अपार्टमेंट बी ब्लॉक 420 है। जाके पास में 419 तो रीटा भाभी को घर है। काम है जाओ भैया। कौन है? कौन है मनुष? इंस्पेक्टर साहब किससे मिल रहे हैं? हमें एक तैया मुजरिम महबूबा से मिलने। मुजरिम? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब हम लोग बहुत शरीफ आदमी है, यहाँ कोई मुजरिम नहीं रहता है, यहाँ हम ही लोग रहते हैं, सनी और मैं बॉबी। कहिए तो रेंट एग्रीमेंट दिखा दे। कचुनी देखने हमने जो कब कही के तुम्हारे मुजरिम, हमने जो कही हमें एक तैया मुजरिम से मिलने हैं। ऐसे ही कही ना हमने कचू? पता नहीं सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बस हम दोनों लोग रहते हैं। हाँ। मैं और बॉबी। क्यों बॉबी? हाँ हाँ हाँ। और हम दोनों में से कोई भी मुजरिम नहीं है। तुम्हारे बिल्कुल मुजरिम हो ही नहीं है, तुम पहले से काहे पपल यार हो? हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के ठीक सामने मुजरिम रहते हुए बासे मिल रहे तो उसको पकड़िए ना जाके। तो वही तो बताने आए हैं। देखो हमें उस मुजरिम की गतिविधियों पर नजर रखनी है, इसलिए आज की रात हम लोग आपके घर में रुकना चाहते ताकि हम उस मुजरिम को ताड़ सके। ताड़ सके? I mean, उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। हाँ, कानूनी भाषा में बोल। क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। तो मतलब हम लोग सड़क पे सो जाएं? वो बोलो सड़क पे नहीं बोल रहे, हमने तुम्हारी व्यवस्था कराई है बढ़िया, गवर्नमेंट को स्टाफ को बढ़िया गेस्ट हाउस होते तुम बढ़िया ऐश करो, हम इतने कचु दिन रुकेंगे। समझ गए? आओ प्लीज। तिवारी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी टेंशन खत्म होने वाली है? अभी भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भी बहुत जल्द टेंशन खत्म होने वाली है। कैसे लग रहा है आपको कि मेरी टेंशन खत्म होने वाली है? आपको कैसे लग रहा है कि हमारी टेंशन खत्म होने वाली है? बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा आपको। आपको कैसे लग रहा है कि मेरी टेंशन खत्म होने वाली? आपको भी बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि आपकी टेंशन कब दूर होने वाली। अरे यार मुझे कोई बताएगा कि किसकी टेंशन कैसे खत्म होगी? आज मैं एक कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। हम भी एक कॉल का ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग किसी ऐसी कॉल का इंतजार कर रहे हो जिसपे खुशखबरी आने वाली है? जी जी चलिए फिर इस रहस्य पर से पर्दा हटा ही देते हैं। हाँ उठा पर्दा, उठा 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 उठा। दरअसल हमने जो है
उस सनी की टांगे तोड़ने का इंतजाम कर लिया है। क्यों रहा भाई तू? क्योंकि मैंने भी बॉबी की टांगे तोड़वाने का पूरा इंतजाम कर लिया। दिमाग खराब है तुम लोगों का यार, किस तरीके के लड़के हो, ऐसी वाहियात हरकतें कर रहे हो तुम लोग। चाच मुझे लगने लगा था कि वो भाभी जी के कुछ ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। नहीं बिल्कुल, हमको भी सेम टू सेम ऐसा लग रहा था कि उसका झुकाव जो है भाभी जी की तरफ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते बताइए मुझे, टेल मी, क्या बताइए क्या करते बताइए। मतलब अगर वो जॉली चाची जी से कुछ चिपकने मतलब उनके करीब जाने की कोशिश करता तो आप क्या करते? जवाब दीजिए, आंसर माय क्वेश्चन, कि आप क्या करते चाच, क्या करते आप? ऐसी सिचुएशन आई थी मेरे सामने, फिर क्या किया? है? मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर तेरी चाची ने मुझसे तलाक ले लिया और जॉली के साथ निकल ली। मनोवर, यस सर, बेटा का हरकत चल रही सर? अब वो दारू पीने बैठा है सर। अच्छा, वेरी गुड। और देख तू रे आपका चल रहा हूं सर। अब उसने एक नई चमचमाती अंग्रेजी शराब की बोतल निकाली है सर। अच्छा, तो एक सेकंड, देख कौन सु ब्रांड पी रहे थी के लट्टे? समझ में नहीं आ रहा क्रिमिनल कौन से ब्रांड की शराब पी रहा है, ये जानने की इतनी इतनी चूल क्यों मची है आपने? अरे पागल है का तू, आदमी है का पजामा? जौन से ब्रांड की को मतलब है कौन सी पी रहो, बस क्रिमिनल को स्तर पता चलतु है ना। देख मतलब अगर वो मान ली ठर्रा पी रहो ऐसे ही तो मतलब हल्के दर्जे को गली मोहल्ला को छुट्टा बदमाश है, लेकिन अगर वो इंग्लिश पी रहो जाको मतलब सीधो है कि जिस सारे छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं है जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल है, अपन इंटरनेशनल से डील कर रही। तुम समझ? ऐसा आप सोचते हैं सर? आओ, यही सत्य वचन है काई? मतलब कि शराब का ब्रांड लोगों का क्लास डिसाइड करता है। करेक्ट, अब समझो तू, देख फिर आगे क्या कर रही। फिर तो आप तो बहुत सस्ती वाली पीते हैं सर, भट्टी की शराब पीते हैं आप, तो क्या आपका क्लास भट्टी वाला है? मैं तो बस आपकी कही हुई बात को फॉलो कर रहा हूँ। कर ती को लट्ठा में फॉलो, हमें कछु फॉलो ना कर तू, पहले होते उनकी गतिविधियां जितनी है ना मूवमेंट उनको फॉलो कर, हमें ज्यादा ज्ञान ना दे, सारे ऊंच नीच हो गई पर सस्पेंड हो जाएंगे। ढंग से देख और सुन, एक एक मिनट की पल पल की हमें खबर चाहिए, हल्के में नहीं, समझ गो? का चल रहा का नहीं चल रहा? अरे दादा, अबे ओ हप्पू है,